डिफाइन एंड कैरी रिफ्लेक्स आर्क, तो उसमें सबसे पहले होगा रिसेप्टर, है कि नहीं? बोलो रिसेप्टर, फिर कौन आएगा? सेंसर न्यूरॉन। एरो अच्छा सा काम है, सेंसर न्यूरॉन। तो रिसेप्टर, उसके बाद आ जाएगा सेंसोरी क्या न्यूरॉन, उसके बाद आ जाएगा क्या प्राइमरी एरिया ऑफ ब्रेन। तो हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइमरी का मतलब सेंसरी, क्योंकि अब ये अलग हो जाएगा, आ गया मजो। तो नाउ इट विल बिकम रेड, क्योंकि ये सब ब्रेन आ जाएगा, है कि नहीं? तो प्राइमरी एरिया, उसके बाद कहां जाएगा, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, उसके बाद मोटर एसोसिएशन एरिया, ओके, ये मोटर एसोसिएशन एरिया जाएगा, प्लस लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। मतलब ये जो रेस्पॉन्स है इसके साथ कैसा बिहेवियर दिया जाए, तो वो है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, ये दोनों को भेजा जाएगा। तो मोटर एसोसिएशन एरिया को भी भेजा जाएगा, लिम्बिक एसोसिएशन एरिया को भी भेजा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बोले फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन आएगा, ओके, फिर मोटर न्यूरॉन जाएगा किधर, फिर जाएगा सॉरी पहले उसके बाद मोटर एरिया आएगा, मोटर एरिया ऑफ ब्रेन, उसके बाद आएगा मोटर न्यूरॉन, उसके बाद आएगा इफेक्टर। तो ये आपका क्या है, सो दिस इज योर क्रैनियल रिफ्लेक्स आर्क, समझ में आया? तो ये इफेक्टर है तो रेस्पॉन्स होगा और क्या। तो आप सेम हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, अब आ जाएगा स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। तो उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलिए, ब्रेन में नहीं जाएगा। अब ये ब्रेन में नहीं जाकर कहाँ जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसलिए ब्रेन में इतना सारा एरिया नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, खत्म। तो समझ रहे हो, तो इसलिए सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, चलो स्पाइनल कॉर्ड का लिख देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ब्रैकेट में फिर लिख देते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएगा, डॉर्सल हॉर्न, ओके, डॉर्सल हॉर्न जा सकता है, या वेंट्रल हॉर्न जा सकता है, इसके पास तीन ऑप्शन है, या आपका लेटरल हॉर्न जा सकता है। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड आइदर, ओके, तो आइदर डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न या लैटरल हॉर्न, तो ठीक है जी। तो अब आपका जो मोटर न्यूरॉन निकलेगा, वेंट्रल से तो मोटर न्यूरॉन निकलते हैं ना, हाँ तो जाएगा वेंट्रल से मोटर न्यूरॉन। तो इसलिए अगर डॉर्सल हॉर्न जाएगा तो क्या होगा, सुनिए, तो अगर डॉर्सल हॉर्न जाएगा तो इधर से कहां जाएगा, डॉर्सल हॉर्न से सॉरी रियर वॉइस इज लैगिंग, तो डॉर्सल हॉर्न से कहां जाएगा, तो ये जाएगा आपका इंटर न्यूरॉन्स, समझ रहे हो। तो इफ दे गो टू डॉर्सल हॉर्न तो ये आ जाएगा कहां, तो यहां से जाएगा इंटर न्यूरॉन्स, फाइन, फिर वेंट्रल हॉर्न,
ओके, बट अगर डायरेक्टली वेंट्रल हॉर्न गया तो मोटर न्यूरॉन से जाएगा, तो ओके, तो इसलिए ये तीन ऑप्शन, अगर लैटरल हॉर्न गया तो ये आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा, सो दिस इज सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, तो समझ रहे हो, तो अगर आप लैटरल हॉर्न गए तो ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होगा, अगर डॉर्सल हॉर्न गए तो वहां से इंटर न्यूरॉन जाना पड़ेगा, ओके, सो ये आपके अलग अलग ऑप्शन है, फाइन, इज इट वेरी ऑडिबल, यस सर, नाउ क्लियर, वो क्लियर नॉट क्लियर वो मेरे हाथ में नहीं है रे बाबा, वो नेट के हाथ में है, तो मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों क्यों बोलते हो, तो क्लियर है तो क्या मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बताओ, नॉट क्लियर है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ क्या उसे, तो आप किसको बोलेंगे क्लियर नॉट क्लियर, अंबानी, अडानी, बिरला, उनको फोन लगाइए, ओके, चलिए, सो द स्पाइनल रिफ्लेक्स आया तो ये याद रखना, आप लोग ये स्कूल में नहीं लिखोगे, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे, तो आप सिंपली स्पाइनल कॉर्ड लिख दोगे, बट स्पाइनल कॉर्ड में ये आइदर डॉर्सल हॉर्न जा सकता है, तो डॉर्सल जाएगा तो इंटर न्यूरॉन जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन, तो मैं अगर वो वेंट्रल हॉर्न जाता है तो डायर फिर मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर, ओके, या फिर लैटरल हॉर्न जाएगा तो ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा, तो फिर वो मोटर न्यूरॉन जाएगा फिर इफेक्टर के पास जाएगा, समझ रहे हो, तो इसीलिए अरे बाबा गधड़ा, इसको कट, अब समझ में आ गया, आया समझ ना नहीं आया, सर फिर से बता दीजिए, आप समझ में आया कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ जाएगा बताओ, स्पाइनल कॉर्ड, बस तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटर न्यूरॉन जाता है, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर जाता है, समझ में आया, इसी को मैं स्पाइनल कॉर्ड को क्लियर कर दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड में तीन ऑप्शन है, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, अगर डॉर्सल में सिनेप्स किया सेंसरी तो फिर कहां जाएगा इंटर न्यूरॉन, फिर कहां जाएगा मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, अगर वेंट्रल के साथ किया सेंसरी तो वो डायरेक्टली जाएगा मोटर न्यूरॉन, अगर लैटरल हॉर्न के साथ सिनेप्स किया सेंसरी तो वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा, फिर मोटर न्यूरॉन जाएगा, फिर इफेक्टर जाएगा, समझ में आया, तो ये चीज कांस्टेंट है, ओके, बट स्पाइनल कॉर्ड इज वेरिएबल, तो आप स्कूल में कितना लिखेंगे, बस इतना, बट आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये बता दिया, कोई शक, सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक, तो इसीलिए ये आपका जो एनसीईआरटी है, आपका प्यारा हमारा न्यारा, तो उसमें भी दिया है रिफ्लेक्स आर्क, देख रहे हो, तो ये आपका रिफ्लेक्स आर्क दे दिया है, ठीक है जी, तो ये आपका देख रहे हो, तो ये आपका स्टिम्यूलस आया, तो एफरेंट पाथवे, एफरेंट मतलब जो लाता है, तो एफरेंट पाथवे क्या है आपका, तो एफरेंट पाथवे जो है वो आपका है सेंसोरी, एंड ये आता किस रूट से है, डॉर्सल रूट न्यूरॉन, ठीक है, फिर ये आएगा एंड सिनेप्स किया, तो यहाँ एंड ये एक ही जगह दिखा रहा है, सो दिस इज योर वेंट्रल, ओके, तो वेंट्रल हॉर्न में सिनेप्स कर रहा है, देख रहे हो, ये आपका कौन सा है, सो दिस इज लैटरल हॉर्न, ये आपका कौन सा है, दिस इज वेंट्रल हॉर्न, तो ये किसके साथ सिनेप्स किया, वेंट्रल हॉर्न के साथ, एंड फिर ये मसल्स को गया, तो ये आपका इफरेंट पाथवे मसल्स को जा रहा है, ओके, तो ये इफरेंट पाथवे, या इसको हम लोग मोटर बोलते हैं, या वेंट्रल रूट न्यूरॉन, ठीक है जी, तो ये जाएगा फिर इफेक्टर के पास, तो आपका काम होगा, पैर हटाओगे, कोई शक, तो यहां इन्होंने एक ही रेस्पॉन्स दिया है,
सो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ए सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स आर्क, समझ रहे हो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स आर्क, ये आपका ऑटोमेटिक एक्ट। मैक्स इधर आओ बेबी, आओ इधर मैक्स, कम कम कम, चलो। तो ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स आर्क है, कोई शक, बाबा, तो सोमैटिक ऊपर आ जाओ, गुड बॉय, तो मैक्स आ गया, चलो। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स आर्क है, और कोई रिफ्लेक्स आर्क आपका नहीं दिया तो आप इसके मजे लीजिए। चलिए तो उसके बाद हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो अब हमारा क्या टॉपिक है देख लिया जाए, तो वी हैव फिनिश्ड ऑल दिस टॉपिक्स। सो अब आ जाएगा आपका ये, आई नो ये तो है नहीं आप लोगों का, तो इसलिए ये सिलेबस खत्म हमारा हो गया, ओके। बट एक टॉपिक बच गया, आई और ये नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है आपका, ये मेरे को क्यों पूछ रहे हो, तो मैंने आपको दिया था ना लिस्ट, तो आपने लिस्ट क्यों नहीं देखा। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूरोनल ट्रांसमिशन, ओके। तो ये हमारा टॉपिक खत्म, तो आपका नर्वस सिस्टम हो गया खत्म, ओके। चलिए तो अब हम लोग चले जाएंगे, एक न्यू पेज लाएंगे, एंड क्या घुसाएंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ओके, इंपल्स, ओके, इंपल्स ट्रांसमिशन। तो जनरली ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन के लिए, बट सिंस ये अच्छा टॉपिक है, आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके, लेस है कि नहीं। तो इसको मैं, चलो आपका बुक में जो लिखा है वो लिख देते हैं, जेनरेशन, जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ क्या, हाँ बोलो, स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है सर, सो स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्यों, तो मैं क्या करूं, तो ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है जी। तो आपका है, अभी आपका कौन सा स्क्रीन आ रहा है, ऑफ नर्व इंपल्स बोलिए, कौन सा स्क्रीन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है सर, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए, चलो फिर मैं एंड कर देता हूँ, फिर रिजॉइन करो,